नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीश राज, आप लोग को हमारे YouTube चैनल सिविल अनीश राज में दोस्तों दिल से स्वागत है, बहुत बहुत फ्रेंड स्वागत है। फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि 3-4 मंजिल घर बनाने के लिए जो फुटिंग का मेस होता है उसमें कितना केजी आपको सरिया लगेगा, एक फुटिंग में कितना लंबा काटना चाहिए, कितना चौड़ा सरिया काटना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल नॉलेजेबल वीडियो है, तो जो भी फ्रेशर इंजीनियर है, जो भी मिस्त्री है, जो भी घर बनाना चाहते हैं, वो लोग प्लीज जानिए कि एक फुटिंग में बनवाने में आपको कितना केजी सरिया लगेगा और कितना लंबा चौड़ा काटना चाहिए सरिया को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग 100% देख लीजिएगा, फुल वॉच कर लीजिएगा, तो दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा और पूरा समझ में आएगा। YouTube पर पहली बार मैंने इतना आसान और सरल तरीका से बताया, चलिए करते हैं शुरू। एक फुटिंग में कितना केजी सरिया लगेगा, कितना केजी स्टील लगेगा, इसको निकालने से पहले आपको दो चीज जानना जरूरी होगा। आपको कटिंग लेंथ पता करना होगा, ठीक है, कितना लंबा आपका फुटिंग के जाली के लिए सरिया काटना होगा, क्या लंबाई होगा सरिया का, क्या चौड़ाई होगा। और दूसरा नंबर में आपको नंबर्स ऑफ स्टील बार कितना लगेगा एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कितना लगेगा। तो बहुत ही आसान तरीका से हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और 100% हम आपको दावे के साथ बोल सकते हैं, अगर हमारे साथ पूरे वीडियो को आप देख लेंगे तो गारंटी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, ये कॉलम का जो फुटिंग है वो आपका 3 स्टोरेज बिल्डिंग के लिए हमने एस्टिमेट निकाल रहे हैं, ठीक है, मेस का फुटिंग, मेस का जाली का। तो ये हमारा कॉलम हो गया और रेड कलर से जो आपका ऐसे ऐसे दिख रहा है वो स्टीरअप हो गया, जिसको हम रिंग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मेन बार है आपका, मेन बार जो है आपका जो 90 डिग्री पे दिखा रहा होगा बैंड आपका, ये इस टाइप का जो है 90 डिग्री पे जो बैंड है ये और ये, ठीक है, वो मेन बार हो गया। तो मेन बार इसमें भी आप देख सकते हैं फुटिंग का जो जाली है वो आपका ब्लैक कलर से जो है वो मेन बार रखा गया। तो मेन बार आपका 12 mm का सरिया यूज किया गया है फुटिंग जाली के लिए, जो सेंटर टू सेंटर 150 mm है, मतलब 6 इंची का गैप है जो आपका मेन बार है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है जो दो सरिया के बीच का दूरी, वो आपका 150 mm, जिसको 6 इंची बोलेंगे मेन बार। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बार में अगर बात कर लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका जो गोला कलर का दिख रहा है वो साइड व्यू है फुटिंग का, मेस का। तो जो गोला कलर का दिख रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख चुके हैं। तो इसमें भी 12 mm का सरिया यूज किया गया है, अगर आप 3 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसके लिए 3-4 मंजिल के लिए 12 mm का सरिया यूज करना है। तो 150 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब कि दो सरिया के बीच के दूरी भी आपका यहाँ से, इसका अगर टॉप व्यू देखिएगा तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो दो सरिया के बीच के दूरी आपका हो जाएगा यहाँ से लेके, रेड कलर का आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो उसका 150 mm है, जिसको 6 इंची बोलेंगे। आपका बहुत सारे साइट पे इस टाइप का लिखा रहता है, तो जो फ्रेशर इंजीनियर हैं जो नहीं जानते हैं वो ड्राइंग में फाई का इस्तेमाल रहता है, 150 mm सी टू सी लिखा रहता है, इसका मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। और ये फुटिंग के जो बेड है उसको हम PCC वर्क किए हुए हैं, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोल देंगे, ये जो लंबा है वो एक्स एक्सिस है, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जो वर्टिकली है उसको वाई एक्सिस बोल देंगे, और जो हॉरिजॉन्टली है लंबा है उसको एक्स एक्सिस बोल देंगे। तो ये 4 फुट का था, इसका साइज जो था यहाँ से लेके फुटिंग का जो मेस है, जाली जो बनेगा उसका जो आपका साइज था 4 फुट × 4 फुट गड्ढा का साइज था, ठीक है, उसके लिए जो गड्ढा खुनेंगे जो डिस्प्ले पे देख रहे हैं फुटिंग के लिए, कॉलम फुटिंग के लिए 4 फुट × 4 फुट लंबाई और 4 फुट चौड़ाई, ठीक है। तो 4 फुट को mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1220 mm हो जाएगा बोलेंगे, तो इसका चौड़ाई आपका 1220 mm हो जाएगा गड्ढा का, फुटिंग का जो गड्ढा रहेगा कॉलम का। उसी तरह लंबाई अगर खुनेंगे तो 4 फुट का भी खुनेंगे, इसलिए 4 फुट × 4 फुट, तो 1220 mm हो जाएगा, 4 फुट को जब mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 फुट हो जाएगा आपका। तो लंबाई 4 फुट हो गया, चौड़ाई 4 फुट हो गया, और गड्ढा जो आप खुनेंगे 4 फुट आपका गहराई हो जाएगा, जिसको हम डेप्थ बोलते हैं। और जो आपको कॉन्क्रीटिंग करना रहेगा फुटिंग में वो 300 mm करना रहेगा, लगभग 1 फुट करना रहता है कॉन्क्रीटिंग फुटिंग का, ठीक है। और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन जो बार है उस पर ये आपका कॉलम का जो सरिया है वो कनेक्ट है। बस आपको इतना सा समझना था, और एक पॉइंट ये और समझना है आपको
जो चारों तरफ है ना उसको क्लियर कवर छोड़ा गया, चारों तरफ इस साइड क्लियर कवर छोड़ा गया है एक्स एक्सिस पे दोनों तरफ, और इस साइड छोड़ा गया है दोनों तरफ, ठीक है। क्लियर कवर आपका फुटिंग के लिए 50 mm कम से कम यूज होता है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग बहुत आदमी ईंट डालते हैं, बहुत आदमी मार्केट से खरीद के पत्थर डाल देते हैं क्लियर कवर के लिए। तो 50 mm ये 50 mm, तो 100 mm हो गया, तो 100 mm इसमें से अगर माइनस कर देंगे 1220 mm में से, तो ये 1120 mm हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ है क्योंकि दोनों तरफ लंबाई चौड़ाई फुटिंग का सेम है। तो अब आइए हम फार्मूला के माध्यम से सीधा कैलकुलेशन करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सरिया कितना लगेगा, कितना पीस आप काटिएगा सरिया। उसके बाद आपको मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन, मेन बार आपका कितना सरिया काटिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो लाल कलर से वो कितना पीस काटिएगा, और टोटल कितना केजी हो जाएगा, और वेस्ट कितना होगा। तो एक एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं बहुत आसान तरीका से, ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी हम आपको समझाएंगे, बस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों अभी जो समझा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंथ लिखा है, विड्थ लिखा है, फुटिंग का स्पेसिंग लिखा है, जो हम आपको बताए थे 6 इंची रखना है, और फुटिंग का क्लियर कवर अभी बताए थे, यही सब लिखा है। अब हमको पहला नंबर में फाइंड द नंबर ऑफ स्टील बार एक्स डायरेक्शन में पता करना है। तो अभी हम आपको समझाए थे एक्स डायरेक्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में कितना नंबर ऑफ पीस लगेगा, 12 mm का सरिया। तो फुटिंग का लेंथ अभी हम बताए थे कि जो फुटिंग का लेंथ है दोस्तों वो 1220 mm है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमको 1220 mm लिख देना है यहाँ पे। अब एक्स एक्सिस पे आपका दोनों तरफ क्लियर कवर, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस अभी बताए हैं, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो दोनों तरफ क्लियर कवर कितना है, 50 mm इधर, 50 mm इधर, यही यहाँ पे लिखा है। तो 2×50 mm, एक साइड का है कितना 50 mm है क्लियर कवर, इधर का 50 mm, तो हम दोनों तरफ का जोड़ेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम इसको ब्रैकेट से घेर देते हैं, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट से घेर दिए। स्पेसिंग कितना है, दो सरिया के बीच की दूरी, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के सरिया के बीच की दूरी कितना है, 150 mm है, जिसको हम 6 इंच बोलेंगे, लगभग 150 mm है। और इसको बड़ी ब्रैकेट से घेर दीजिए और इसको +1 कर दीजिए। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये, जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो 1120 mm ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 150 mm, और +1 कर दीजिएगा तो ये आपका कैलकुलेट करने के बाद। तो दोस्तों 1120 को अगर हम 150 mm से डिवाइड कर दें तो आप लोग देख सकते हैं कितना हो गया, ये 7.466 हो गया। तो हम इसको मान के चल रहे हैं 7.5, अब प्लस ये 1, तो ये हो जाएगा 8.5, ठीक है, 8.5 लगेगा। तो इसको अप्रॉक्स आप 9 नंबर ऑफ पीस बोल सकते हैं, पीसेस। तो यानी कि आपका दोस्तों, यानी कि आपका एक्स डायरेक्शन में 9 पीस लगेगा ये स्टील, ठीक है। और दोस्तों वाई डायरेक्शन का हम नहीं निकालेंगे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई सेम है। तो आपका जैसे कि एक्स डायरेक्शन में 9 पीस लगभग आया है, उसी तरफ वाई डायरेक्शन में भी आपका 9 नंबर्स ऑफ स्टील बार का पीस लग जाएगा, ठीक है। बाद में हम आपको केजी कितना लगेगा वो बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बहुत ही आसानी तरीका से हम बताएं, कोई फास्ट नहीं है। अब हम बात कर लेंगे कटिंग लेंथ का, क्योंकि हमको नंबर ऑफ पीस पता चल गया है, तो आप लोग ये भी तो पता करेंगे कि ये जो साइज है आपका वो कितना लंबा काटना है, कितना एमएम का काटना है, कितना मीटर का काटना है, कितना फुट का काटना है। तो आप लोग को ये भी तो पता होना चाहिए, जब आप मिस्त्री हैं चाहे फ्रेशर इंजीनियर हो, सीखना चाहते हैं बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल, तो उसको मालूम होना चाहिए सब चीज़। तो इसमें भी दोस्तों एक्स डायरेक्शन में हम निकालेंगे, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में भी निकालेंगे। तीसरा नंबर में है कटिंग लेंथ ऑफ स्टील बार इन एक्स डायरेक्शन। आपको से पहले फार्मूला समझ लेते हैं। तो फुटिंग का लेंथ -2 × क्लियर कवर, देखिए दोस्तों फुटिंग का लेंथ 1220 mm था और माइनस क्लियर कवर दोनों तरफ करेंगे, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है 2× क्लियर कवर, दोनों तरफ करेंगे ना भाई, तब तो मालूम चलेगा इधर आप कितना छोड़े, इधर कितना छोड़े हैं, इधर कितना छोड़े हैं, गड्ढा के दोनों तरफ कितना छोड़े हुए हैं, प्लस 2 नंबर्स ऑफ फुटिंग हाइट। ये जो आपका फुटिंग का हाइट है जहाँ पे आपको कंक्रीट करना है, RCC कंक्रीट, तो दोनों तरफ हाइट ना जोड़ेंगे क्योंकि ये जो हुक
हुक बना हमारा वो 90 डिग्री पे है, ठीक है, मेन बार का और डिस्ट्रीब्यूशन बार का, तो ये दोनों तरफ का जुड़ेगा, ये हाइट जुड़ेगा दोनों तरफ, इतना इतना हाइट जुड़ेगा। तो ये 300 mm है, बराबर 1 फुट लगभग होता है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है। तो दोनों तरफ आपका हाइट हो गया फुटिंग का, और माइनस क्लियर कवर। तो दोस्तों ये जो फुटिंग का हाइट आपने RCC का जो हाइट है, सरिया का हाइट है, तो इस तरफ आपका कितना छूटा है, कवर कितना छोड़े हैं, और इस तरफ कितना छोड़े हैं, दोनों तरफ का कवर छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 mm है, यहाँ पे 50 mm है, मेन जो बार है आप उसका, और डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसमें भी 50 mm दोनों तरफ छोड़ा गया है। तो यहीं पे यहाँ पे लिखा गया है 2x क्लियर कवर माइनस करना है। अब आता है बैंड, जो आपका फुटिंग का जो ये डेप्थ था, तो यहाँ पे जो सरिया है वो बैंड किया गया है, तो वो कितने डिग्री पे किया गया है, ये जो बैंड हुआ है दोस्तों, तो वो आपको क्या करना है, जो बैंड करते हैं ना, तो बैंड करते हैं तो ये क्या होता है, इलॉन्गेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब नमर जाता है। तो कितना नमरा, 90 डिग्री पे बैंड किए तो वही माइनस करना होता है। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पे बैंड हुआ है उसको हम दो बार बैंड हुआ, दोनों तरफ बैंड हुआ है, इधर बैंड हुआ है और इधर बैंड हुआ 90 डिग्री पे, तो हम दोनों तरफ का माइनस करेंगे। तो अब आइए फार्मूला में हम सीधा पुट करते हैं। 1220 mm फुटिंग का लेंथ है, माइनस 2x क्लियर कवर, तो 2x50 इसको मिडिल ब्रैकेट में डाल दीजिए, और प्लस 2 नंबर्स ऑफ फुटिंग हाइट, तो फुटिंग का हाइट कितना है, 300 mm है, और क्लियर कवर आपका 2x50, तो हम इसको भी क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में सब डाल देते हैं दोस्तों, माइनस 2x, अगर 90 डिग्री पे बेंड करते हैं, सरिया को मोड़ते हैं, तो उसके लिए 2D होता है, तो D का मतलब है कि कितना mm का आप सरिया TMT बार यूज कर रहे हैं, तो डाया हो गया डायमीटर, तो उसको गुना कर देंगे 2 से, तो 2D होता है, ठीक है, और 135 डिग्री पे 3D होता है, तो D4 डाया ऑफ स्टील बार आप कितना mm का सरिया यूज कर रहे हैं। 45 डिग्री पे अगर बेंड करना रहा तो आपका 1D होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x90 डिग्री पे बेंड करना है, तो इसके लिए 2D लिखेंगे, डिफॉल्ट डाया ऑफ सरिया, कितना mm का सरिया आप यूज किए हैं। अब इसको हम कोस्ट से घेर देते हैं, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा ना दोस्तों, बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी है। 1220 में दोस्तों 100 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1120 mm हो जाएगा, प्लस 600 में से अगर आप 100 mm घटा दीजिएगा तो कितना, और 500 mm आपका ये हुआ, तो इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1620 mm हो जाएगा, और 12 × 24 = 48 mm माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1572 mm हो जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर में। अगर इसको हम फुट में बदलेंगे तो ये फुट में आपका हो जाएगा 5.2 फुट हो जाएगा, और अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो ये 1.57 मीटर में हो जाएगा, ठीक है, m4 मीटर, तो आपका x डायरेक्शन के लिए 1.57 मीटर हो गया। तो इसी तरह आपको y डायरेक्शन के लिए फाइंड करना है कटिंग लेंथ, सरिया का जो कटिंग लेंथ है वो। फ्रेंड अब 4th नंबर में कटिंग लेंथ ऑफ स्टील बार इन y डायरेक्शन में फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो हमें y डायरेक्शन में फाइंड करना है, जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे रेड कलर से जो भी है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो वहीं फाइंड करना है कितना लंबा कटिंग होगा। तो मैं x डायरेक्शन में आपको निकाल दिया हूँ, इसीलिए y डायरेक्शन का नहीं निकालूंगा, बस आपको फुटिंग का यहाँ पे विड्थ डाल देना है y डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में लेंथ डाले थे तो यहाँ पे विड्थ चौड़ाई डाल देना है, तो लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो इसीलिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी पहले जैसे समझाए थे आपको वैसे ही सेम रहेगा, सारा वैल्यू पुट करना है और यहाँ पे केवल चौड़ाई डालना है। तो इसमें भी आप जब फाइंड करेंगे ना तो आपका 1.572 मीटर का आपका लेंथ प्राप्त होगा। अगर वहीं mm का बात कर लीजिएगा तो 1572 mm हो जाएगा, और फुट में अगर बात कर लीजिएगा 5.2 फुट का हो जाएगा लेंथ, कटिंग लेंथ बराबर ही है क्योंकि फुटिंग का साइज भी तो बराबर था। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, वी विल बी प्रिपेयर BBS ऑफ फुटिंग फ्रॉम कैलकुलेटेड डाटा। तो इसमें हम x एक्सिस के लिए मतलब x डायरेक्शन के लिए, और y डायरेक्शन के लिए जो अभी हम निकाले थे कैलकुलेट करके डाटा, वो है डाया ऑफ स्टील क्या हमने फुटिंग के लिए यूज किया है, तो 12 mm का यूज किए हैं सरिया, ठीक है, 12 mm का सरिया यूज किए हैं।
सरिया का जो कटिंग लेंथ था वो एक सरिया का कटिंग लेंथ आपका कितना था 1.572 मीटर था। तो 9 सरिया हमने निकाला था एक्स एक्सिस के लिए एक्स डायरेक्शन में और 9 सरिया निकाला था वाई डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में आपका 9 सरिया निकाले थे और वाई डायरेक्शन में आपका 9 सरिया निकाले थे। तो एक सरिया का लंबाई आपका 1.57 मीटर है। ठीक है, तो इसको 9 से गुना कर देंगे तो टोटल सरिया 9 सरिया का हमें लंबाई पता चल जाएगा। तो 9 सरिया का लंबाई आपका हो जाएगा 14.14 मीटर का हो जाएगा। तो दोस्तों, 1 मीटर सरिया का वेट आपका होता है 0.89 केजी होता है। तो हमारा जो ये लेंथ है 14.14 मीटर, तो 1 मीटर का इतना, तो 14.14 मीटर का कितना हो जाएगा जब ये दोनों को गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद यह आपको आ जाएगा 12.6 आ जाएगा, 12.6 आपका केजी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह वाई डायरेक्शन में भी होगा, एक सरिया का लेंथ आपका हो जाएगा 1.572 मीटर। तो 9 सरिया को कितना होगा, तो 9 सरिया से गुना कर देंगे, जब एक सरिया का इतना तो 9 सरिया का 14.14 मीटर का हो जाएगा 9 सरिया का वाई डायरेक्शन के लिए, वाई एक्सिस के लिए। तो एक सरिया का कितना है, एक मीटर सरिया का आपका 12 mm का जो सरिया है उसका 0.89 केजी होता है 1 मीटर का। तो आपका 14.14 मीटर का कितना हो जाएगा, इसको जब गुना कर देंगे तो सेम हो जाएगा 12.6 केजी हो जाएगा। सरिया का वेट कैसे निकालते हैं, स्टील का वेट कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर आपका सरिया मीटर में है आपका, ठीक है, तो इसके लिए आप जो स्टील होता है जितना एमएम का डाया होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए और 162 से डिवाइड कर दीजिए और जितना लेंथ है आपका सरिया का मीटर में उसे गुना कर दीजिए। ठीक है, इसी फार्मूला से ये निकला है 1 मीटर का। तो अब हमें टोटल आपका मतलब कि जो, तो टोटल सरिया कितना हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ स्टील का अगर बात कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 12.6 + 12.6 बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 25.183 केजी हो जाएगा। और इसमें वेस्टेज भी है, वेस्टेज स्टील आपका कुटिंग के लिए 2% होता है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 25.183 का 2% जब निकालेंगे, मतलब कि परसेंटेज के बदला में 100, तो कटिंग जब आप करेंगे ना तो ये आपका टोटल स्टील वेस्टेज मिला के आपका हो जाएगा 25.7 केजी हो जाएगा वेस्टेज मिला के। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका से हमने बताया, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका निकल के आएगा 0.5 के आसपास आएगा केजी वेस्टेज। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इससे आप कुछ सीखे हो, तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेट मिलता है और इसी तरह वीडियो हमेशा लाते रहेंगे, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।